हमारे यहाँ पे मजदूरी से हम लोग 2020 के लिए लड़ाई लड़ेंगे ताकि हम लोग बिहार में सरकार बनाए महागठबंधन पर। हाँ, यहाँ पे कुछ इशू हो चुका है कि हमारे सहयोगी दल के द्वारा भी कुछ कैंडिडेट को यहाँ पे घोषणा कर दिया गया है, लेकिन अभी भी हम कहेंगे कि गठबंधन धर्म निभाने के लिए हमारे साथी को कि अपने कैंडिडेट का नाम वापस कर लीजिए यहाँ नाथनगर से और सिमरी बख्तियारपुर से, ताकि बिहार में गठबंधन जो बना है, जो हम लोग कल भी पटना के बापू सभागार में जो कार्यक्रम करके पूरे बिहार को मैसेज दिए कि महागठबंधन अटूट है, उसी तरीके से पूरे बिहार में एक अच्छा मैसेज जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि पहले से नाथनगर में मांझी जी का तैयारी है और सिमरी बख्तियारपुर में वीआईपी पार्टी का है। आज और कल हम लोग नाथनगर में रहेंगे, परसों मांझी जी सिमरी बख्तियारपुर में जाएंगे, दो रोज वहां पे रहेंगे, फिर हम लोग शहर समस्तीपुर जाएंगे अशोक राम जी के लिए मदद करने के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए। इसलिए तमाम यहां के साथी को कहना चाहेंगे कि मजबूती से इनके साथ हर पार्टी के लोग जुड़ा हुए हैं और आपके जमीनी कार्यकर्ता है, पंचायत के मुखिया है और आप लोगों के बीच में रहेंगे। इनको 10 महीने के लिए आप इनको विधायक बनाइए और आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा 2020 में कि आपके प्रत्याशी अच्छे थे या बुरे थे। आपने जेडीयू के 15 साल से उनको विधायक को चुनते आप उनको विधायक बनाते गए, लेकिन आपके बीच में हमें पता चल रहा है कि आप लोग से मिलने के लिए भी नहीं आते। इसलिए 10 महीने के अंदर में जिसका रिजल्ट आप लोगों के बीच में आएंगे, इन्होंने घोषणा भी किया हम लोगों के बीच में कि इनके जितने भी तनख्वाह होगा उसका आधे पैसा आप लोगों के गरीब के बच्चे के पढ़ाने लिखाने के लिए दवा के लिए खर्च करेंगे, या अपने 10 महीने में जो भी इनको सरकार से जो भी तनख्वाह मिलेगा वो खर्च आप लोगों के बीच में करेंगे। इसलिए आप लोग मजबूती से हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी अजय जी को यहाँ पे अजय राय जी को जिताइए ताकि हम लोग मजबूत हो, क्योंकि हम लोग अभी विपक्ष में है और विपक्ष वाला जब तक आप लोगों के लिए आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम लोग अगर बोलना बंद कर दे, आप लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना बंद कर दे तो सरकार आपका सुनेगा। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।